आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो जैसे कि 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, तो आइए इस उपलक्ष्य पे जानते हैं कि हमारी आम जनता टीबी के बारे में कितनी जागरूक है और क्या क्या जानती है। आपको टीबी के बारे में कुछ मालूम है? टीबी क्या है, कैसे होता है, कैसे फैलता है और इसका इलाज कैसे होता है? सर्दी लगनी ना, पहले सर्दी लगनी, फिर खांसी लगनी, फिर शरा पीड़ उठनी, फिर नाके पानी जलता, फिर उस बाले आज नहीं होया, ते फिर चेकअप नहीं कराया, दवाई नहीं खाई, थोड़ा बुखार बिगड़ी गंदा, उस तरह फिर टीबी हो जाए। तो आपको क्या लगता है ये फैलता है? ये कुछ और लोगों से पूछते हैं टीबी के बारे में। जल्दी पूछना, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हमारी क्लास में। हाँ, हमारी क्लास। आपका नाम क्या है? तन्वी। अच्छा, आप लोग टीबी के बारे में क्या जानते हैं? टीबी खांसी वाली बीमारी है ना, सुना था कभी। हाँ, वो एक पड़ोस में भी एक आंटी थी, कह रहे थे पता नहीं टीबी खांसी रहती है, वो सब दूर रहते हैं उनसे। यहाँ पे कहीं हॉस्पिटल भी है कुछ टीबी का? हाँ, टीबी हॉस्पिटल। अच्छा, और कुछ जानते हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं पता, तो उसे पता कि वो आंटी खांसती रहती है, सब उनसे दूर रहते हैं। तो आपको ये पता कि वो दूर क्यों रहते हैं लोगों से? बोलते आपको भी खांसी हो जाएगी अगर आप उनके पास जाओ। बड़े लोगों ने ऐसे ही बताया, हमें मना करते जाने के लिए पास। तो आपको ये पता है टीबी फैलता कैसे? ना तो नहीं पता। या इसका इलाज डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना? तो दवाइयों से बताएंगे, ऐसा ही हमें कैसे पता होगा। ठीक, धन्यवाद। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कुछ सवाल पूछने थे अगर आप लोगों की इजाजत है। हाँ जी, पूछो। टीबी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अरे टीबी वही बीमारी जिससे वो रम्या का पति मरा भी पिछले महीने। हाँ वही। आप जानते हैं कुछ टीबी के बारे में? हमें कुछ पता नहीं है, बस बहुत बुरी बीमारी, हमें इतना पता है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि टीबी फैलता कैसे है? पता नहीं, शायद छूने वगैरह से, साथ खाने वगैरह से फैल जाता होगा। अच्छा, तो आपको इसके लक्षण पता है? बस उसका पति बस खांसता रहता था पूरे दिन, बस। हाँ, और दारू पीता था और बस पड़ा रहता था दारू पी के, तो शायद इसकी वजह से हो गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसका इलाज संभव है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, सारे मरे जा रहे हैं, सबको खाई जा रही है बीमारी। नहीं, इसका इलाज तो नहीं। नहीं। तो थोड़े से सवाल पूछने थे आपको। आप टीवी के बारे में क्या जानते हैं? टीवी तो टीवी है तो मतलब टीवी कैसे फैलता है? वो तो एक दूसरे को या टच टूच करके या ऐसे खांसी खोसी से, और अदरवाइज तो। और आपको क्या लगता है टीबी का इलाज संभव है या नहीं? संभव है, बिल्कुल संभव। आपने किसी कोई ऐसे देखे थे? मेरा पड़ोसी था, उसको था। अच्छा, आप बिल्कुल फिट हो? बिल्कुल फिट। तो उन्होंने सही टाइम पे इलाज किया? सही टाइम पे, सब कुछ सब ठीक हुआ, बिल्कुल फिट हो। ठीक है। और आपको ये पता कि टीबी के लक्षण या टीबी के लक्षण ये है या जुकाम या खांसी से या बलगम में ब्लड आने से और सर दर्द बुखार ऐसे बाकी को यही है, मतलब बाकी को चलता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि आम लोगों की टीबी को लेकर क्या क्या राय है। कुछ लोग टीबी को लेकर जागरूक हैं और कुछ के मन में इसको लेकर गलत धारणाएं हैं। तो इसी तरह हमने कुछ और चंबावासियों से इस विषय में बात की है।
आइए उनमें से कुछ झलकियां देखते हैं। Excuse me. Yeah. Hello. Hello. Do you mind if I ask you a few questions? It's fine. Yeah, fine. So, do you know anything about TB? It's a communicable disease. Okay. So, do you know how does it spread? I guess it spread through coughing and sneezing. Okay. And do you know what are the signs and symptoms of the disease? Coughing. And then having fever during night cycle. Okay. So, do you think that it is curable or is it not? I know that it's curable because last year one of my friends had TB and recently she has been cured from the TB. Yeah, I've also seen it on television about tuberculosis. Okay. Thank you for your time. आशय से जरा बात करें। कितना रात में लेट हुआ हूँ, क्या घूम रहे थे? फोन भी काट दिया। पूछ ना फिर क्या है यार। आप टीबी के बारे में क्या जानते हैं? टीबी के बारे में हमको बहुत पता है। सबसे पहली बात, वो स्प्रेड होता है ना। तुम लोगों ने क्या किया? किताबों में पढ़ा है ना, हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया है, मतलब देखा है। तुम लोग एक बात बताओ हमको, ये जो टीबी होता है, तुमने कभी किसी को स्प्रेड होते हुए देखा है? देखा है क्या? बोलना क्या, मेरे को क्यों घूर रहा है? वही आपसे जानना चाहूंगा, तुमने देखा है या नहीं देखा है हमको डायरेक्टली बताओ। देखा तो हमारी बेटी को हुआ था, हमने पता है क्या किया? उसको बाहर निकाल दिया, घर से आने नहीं दिया कभी भी उसको। उसकी एंट्री बंद हो चुकी है, हमारे दरवाजे उसके लिए बंद है, जान गए? अब तुम बताओ अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहते हो? आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमको उसका प्रैक्टिकल पता है ना, तुम्हारी थ्योरी का हमने अचार डालना है क्या? वो तुम अपने अचार में डालना, हमें अचार नहीं डालना। जाओ, बाय, गो। अच्छा, वैसे आपको ये पता है कि इसका इलाज कैसे है, किस संभव है? सरकार कुछ हेल्प करती है इसके इलाज में या बड़े पैसे लगते हैं? आप क्या जानते हैं इलाज के बारे में? इलाज की क्या जरूरत है? जिसको है उसको इस दुनिया से बाहर निकालो, सीधा यही है इलाज हमारे अनुसार। हमने घर से निकाला, तुम लोग दुनिया से निकालो। फैलेगा ही नहीं, बात खत्म, हिस्सा खत्म, टीवी खत्म, सब खत्म, हमारा घर भी खत्म हो चुका है, तुमको पता है क्या? आपका कुछ फर्क नहीं है अगर इजाजत हो, जो बड़े सवाल पूछने हैं। कोई बात नहीं, आगे बैठिए। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रामलाल है। अच्छा, तो आप टीबी के बारे में क्या जानते हैं? अरे टीबी, पिछले साल मुझे टीबी हुआ था और वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे याद करना चाहूँगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब पिछले साल आपकी कुछ आदतें रही होंगी जिसके चलते आपको टीबी हुआ? और वैसे अभी आप स्वस्थ हैं, इलाज हो चुका है आपका पूरा? हाँ जी, मेरा पूरा इलाज हुआ था, मैंने डॉक्टर को पूरा कोर्स किया था। आदतें जी बिल्कुल, मैं आदतों के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मेरी आदतें बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं दिन रात बीड़ी और शराब का सेवन करता रहता था और साथ में मुझे भूख भी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया नियमित रूप से, तो शायद यही गलतियां रही होंगी मेरी। अच्छा, तो आप अपने इलाज के समय के बारे में कुछ अगर बताना चाहें सबको? जी, पहले तो मुझे लगता था कि इसका इलाज संभव है नहीं, फिर मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इसका पूरा इलाज संभव है, तो फिर मैं डॉट सेंटर गया और फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी जो कि मेरे जो गाँव के इलाके के आशा वर्कर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे लेनी है वो दवाइयाँ, और फिर वो मैंने रोज़ाना वो दवाइयाँ ली हैं और उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अच्छा, तो आप मतलब ऐसे लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि समाज में क्या संदेश फैले टीबी को लेकर?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं खुद भी मानता था कि इसका इलाज संभव है नहीं, तो परंतु जब मेरा खुद का इलाज हुआ तो मुझे पता लग गया कि इसका पूरा इलाज संभव है, जो कि डॉट्स का पूरा कोर्स 6 महीने का कोर्स है, उसी के माध्यम से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन ये गलती ना करें कि आप दवाइयों को बीच में छोड़ रहे हो, क्योंकि मेरे कुछ साथी थे जो बीमार भी थे, टीबी से ही ग्रसित थे, उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने नियमित रूप से दवाइयाँ नहीं खाई और अब वो और बीमार हो चुके हैं। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी आदतों पे काबू कीजिए और खाना ढंग से खाइए और बीड़ी और शराब को उनसे दूर ही रहिए तो अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब तक हम देख चुके हैं कि आम जनता टीवी के बारे में कितना जानती है, तो आइए अब विशेषज्ञों से जानते हैं टीवी के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो कैसा रहा आपका सर्वे? डॉक्टर साहब, सर्वे काफी अच्छा रहा और लोग टीवी को लेके काफी जागरूक भी दिखाई दिए, पर अभी भी सभी लोग टीवी के बारे में सब कुछ नहीं जानते, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी जनता को टीवी के बारे में बताएं। टीवी एक संक्रामक रोग है और ये जीवाणु माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। और डॉक्टर साहब, ये किन किन में हो सकता है? ये उनमें फैलता है जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, जो नशे का आदी हो और जो जीत समय पे भोजन ना करे। और डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है, टीबी के लक्षण? टीबी के कुछ खास लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना, दूसरा लक्षण है तेज बुखार आना और तीसरा लक्षण है भूख कम लगना, साथ ही वजन का कम हो जाना। चौथा लक्षण है बलगम में खून का आना और पांचवा लक्षण है रात में पसीना आना। तो जब ये लक्षण आए तो जरूर टीबी की जांच करवाएं। डॉक्टर साहब, आपके इतने वक्त के लिए और इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर यू। हियर आर सम ऑफ द इमेजेस ऑफ द अदर इंटरव्यूज वी टुक। थैंक यू एवरीवन।